इमामबाड़ा स्टेट के अंदर लगे मेले का उद्घाटन सैयद अयान अली शाह ने फीता काट कर किया। आज मुहर्रम की तीसरी तारीख को इमामबाड़ा स्टेट का भव्य प्रांगण अपने रवायती अंदाज में सज धज कर तैयार है। इमामबाड़ा स्टेट के अंदरूनी हिस्से में लगने वाला पारंपरिक बाजार भी पूरी तैयारी में है तथा मेले का स्वरूप भी पूरा हो चुका है। इसी क्रम में इमामबाड़ा स्टेट के सज्जादानशीन सैयद अदनान फर्रुख अली शाह के साहबजादे सैयद अयान अली शाह ने इमामबाड़ा स्टेट के अंदर लगे मेले का उद्घाटन अपने हाथों से किया तथा मेले का भ्रमण अपने समर्थकों के साथ किया तथा मेला परिसर में मौजूद दुकानदारों से उनका हाल चाल पूछा और कहा कि पूरा मेला परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें तथा प्लास्टिक से मेला परिसर को मुक्त रखें। इमामबाड़ा परिसर में खोया पाया केंद्र तथा सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का भी उद्घाटन सैयद अयान अली शाह ने किया। ये जानकारी मीडिया प्रभारी मंजूर आलम ने जारी प्रेस बयान में दी। इस अवसर पर इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद, महासचिव हाजी सोहराब खान, तौकीर आलम, हाजी अमीरुद्दीन सिद्दीकी, सैयद वसीम, इकबाल शकील, शाही इमरान, दानिश हामिद अंसारी, फजल खान, फहीम उर्फ गुड्डू, आफताब अहमद, शेख शकील अहमद, मिनहाज सिद्दीकी, इमरान खान, ख्वाजा ताजुद्दीन, परवेज खान तमाम लोग मौजूद थे। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज जो मेले का औपचारिक उद्घाटन किया है उसके बारे में आपसे क्या कहना? जैसा कि आप जानते हैं आज मुहर्रम की तीसरी और आज से हमारा गश्त शुरू होता है, तो मेले का उद्घाटन हम लोगों ने किया है और आज से हम लोग का मेला ऑफिशियली खुल गया है और हम लोग आशा करते हैं कि हर साल की तरह जितने लोग आके यहाँ अलग अलग तरीके की खरीदारी करते हैं, बच्चे झूले झूलते हैं और अपना अच्छा समय बिताते हैं इस्लामी नए साल में, वो इस साल भी वैसे ही हो। ये मेला कब तक चलेगा? ये मेला ऐसे तो दसवीं तक चलता है और लेकिन अभी जिस हिसाब से भीड़ हो जा रही है उस हिसाब तक हम लोग तीजा तक ये मेला चलाते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ जी, ये चारों फाटक खुले रहेंगे तब तक? जी, जब तक ये मेला चलेगा तब तक चारों फाटक पब्लिक के लिए एंट्री रहेगी। जी हाँ, पब्लिक के लिए एंट्री रहेगी।